आज बहुत 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 स्पेशल डे है, और वो स्पेशल डे ये है कि आज एतजाज आ रहे हैं। ले बस जाने के लिए, एयरपोर्ट की तैयारी शारी करने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं जनाब। ये सारी बिल्डिंग बहुत पुरानी है, अराउंड अबाउट 1905 की है सामने वाली। और बेगम से मिलने की बहुत खुशी है, बहुत दिल उसने बोला उधरा हुआ है, पंजाबी में कहते हैं और उर्दू में कहते हैं उदास है। तो अभी इतना उन्होंने मस्त अलग है ना, अब बंदा यहाँ पे कैसे ढूंढे जर्मनी से आने वालों को। आपको कैसा लग रहा है लाहौर की गलियों में घूम के चांद रात पे? गार्डन गार्डन हो रही है, मजा आ रही है राजा जी, मजा आ रही है। अपने लिए ले रहे हैं? हाँ अपने लिए ले रहे हैं। पहने क्या पहनाऊ? पहन ले कंगन ले लिए, अल्लाह कंगन कंगन पहनने वाली भी ना, काला नमक और पुदीना शुदीना और ये और धनिया भी है, धनिया भी है, धनिया भी है पुदीने की जगह। वाह नाग धनिया रहे, और मट्टी रेत भी नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, और आप सबकी दुआओं से जो कि आप नहीं करते मेरे लिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज बहुत 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 स्पेशल डे है, और वो स्पेशल डे ये है कि आज एतजाज़ आ रहे हैं, और मैं जा रही हूँ उनको लेने। अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30, 7:20 पर उनकी फ़्लाइट है, मैं बस 5 मिनट के अंदर यहाँ से निकलने लगी हूँ। 40 to 45 मिनट्स का रास्ता है एयरपोर्ट तक का, और आई होप इस टाइम बुके मिल जाए, अल्लाह करे कोई फूलों वाला खुला हो, क्योंकि रात को मैं लेने गई थी लेकिन बहुत बासी फ्लावर्स पड़े हुए थे। तो बुके वाले सारे कहते हैं आप सुबह ले लें, अब वो कह तो रहे थे हमारा खुली होगी शॉप, अब लेट्स सी, देखो अल्लाह करे खुली हो यार। बस अब वहाँ जा रही हूँ, और वहाँ जाके मैं आपको दिखाती हूँ। आज 4 मंथ्स बाद हमसे मिलना है, और इतनी खुशी है कि मैं कल सुबह से जा रही हूँ, अभी तक सोई नहीं हूँ, नींद नहीं आई यार, एक्साइटमेंट बहुत थी। जितनी देर मैं जा रही हूँ रास्ते में, जितना टाइम लगता है उतनी देर आप लोग जाएँ, और मैंने इतराज़ से कहा था कि आप आते हुए रास्ते में व्लॉग बनाएं, तो वो जो वीडियो दूँगी वो भी मैं इसी में मर्ज कर रही हूँ, तो आप वो भी देखें। उतनी देर में मैं पहुँच जाऊँगी और फिर आपको आगे का सारा सीन दिखाती हूँ। ओके जी अस्सलाम वालेकुम, अभी बस घर से निकले हैं, बस जाने के लिए एयरपोर्ट की तैयारी शारी करने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं जनाब। और आज मौसम यहाँ पे ठीक है, तकरीबन हल्की फुल्की बारिश है, बाकी इतनी सर्दी नहीं है, जैकेट वगैरह नहीं पहननी क्योंकि दुबई जा गर्मी वगैरह होगी। और ये दोस्त आया गाड़ी लेके, तो उसके साथ जा रहे हैं जनाब। ये सारी बिल्डिंग्स बहुत पुरानी है, अराउंड अबाउट 1905 की है सामने वाली, और ऐसे ही है 90s की है, 90s। और ये दोस्त की गाड़ी है, अब गाड़ी में बैठेंगे, बस छोटी सी गाड़ी रखी हुई है दोस्त ने। जो मेरा दोस्त है वो मुझे ट्रेन स्टेशन तक छोड़ देगा, उसके बाद आगे नॉर्मल ट्रेन होती है उसमें जाएंगे, और उसके बाद आगे जो स्काई ट्रेन है उसमें सफ़र करके इंशाल्लाह एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से राउंड अबाउट तकरीबन 25 किलोमीटर आया एयरपोर्ट मेरे घर से, और आगे जो ट्रेन का सफ़र है वो 10 मिनट का है, और स्काई ट्रेन का भी 10 मिनट का सफ़र है, यानी कि टोटली 30 मिनट तक बंदा ईजिली एयरपोर्ट पहुँच जाता है, इतनी मर्जी ट्रैफिक हो या जो भी हो, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं होती इस टाइम। और ये ट्रेन स्टेशन पहुंच चुके हुए हैं, ट्रेन स्टेशन बाहर खड़े हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, कॉफ़ी पियेंगे एक, और कॉफ़ी पीने के बाद फिर अंदर ट्रेन से जाएंगे स्काई ट्रेन की तरफ। एयरपोर्ट पहुंच चुके हुए हैं और अपनी फ्लाइट की जान रवाना रवा है, और इंतज़ार कर रहे हैं कब वहां पहुंचे, इंतज़ार बेसिकली को नहीं कर रहे, चल के वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जब वहां पे चल के पहुंच जाएंगे फिर अगली बातें बाद में होगी। सांस चढ़ गया, उम्रों के भी तकाजे हैं ना, क्या उम्रों के तकाजे, इतनी ज़्यादा भी उम्र नहीं हुई लेकिन यह है कि बस सांस भी चढ़ जाता है, इंसान ही है पार्ट ऑफ लाइफ, मुझसे भी जाकर पाकिस्तान सेट कराते हैं फिलहाल, तो यही है कि बस पाकिस्तान पहुंच जाए, इतनी खुशी बहुत है। और अब आएगा मेरा बेस्ट जहाज, जो दुनिया की बेस्ट एयरलाइन है एमिरेट्स, मेरी सोच के मुताबिक, बाकी कोई और भी हो सकती है, अगर आपकी नज़र में कोई और है तो आप बता सकते हैं काइंडली मुझे। और वो खड़ा है जिस जहाज पे मैंने जाना है इंशाल्लाह पाकिस्तान, आपको नज़र आ ही होगा। गेट नंबर 42 पे पहुँच चुके हैं, और बेगम से मिलने की बहुत खुशी है, बहुत दिल उसने बोला उधरा हुआ है, पंजाबी में कहते हैं और उर्दू में कहते हैं उदास है, तो अभी खड़े हैं यहाँ पे।
तो वेट कर रहे हैं, जब गेट ओपन होगा तो फिर इंशाल्लाह अंदर जाएंगे। फूल लेने आई हूँ और सिर्फ एक फूलों वाला खुला हुआ है इस टाइम, बाकी रास्ते में जितने देखे हैं सारे बंद हैं। यहाँ से जो मिल रहा है मैंने ले लिया, क्या कर सकते हैं, ना लेने से बेहतर है कि आप ले लो। ओके जो है वो आ चुका है और अब हम फाइनली निकल जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। टाइम कम ही रह गया, आई होप टाइम पे पहुँच जाए। जा रही हूँ एयरपोर्ट में, लेट्स सी 10 बार आ चुके हैं या नहीं, और अगर मैं फिर से लेट हुई ना उस वक्त फिर ज़्यादा करेंगे। लास्ट टाइम मैं कोई 40-45 मिनट लेट पहुँची थी और उस बाद वो आज तक मजाक उजाक में ना फिर से लालत करते हैं, और लेट्स सी इस बार उसके सामने ज़्यादा लिखी है या नहीं। अपनी तरफ से तो मैं सोई भी नहीं पूरी रात, मैंने टाइम पर पहुँचना है, लेकिन ना जब किस्मत ख़राब हो ना, जब ज़्यादा लिखी हो वो आपके ओके रहती है। अब लेट्स सी, पिछली बार वाला वाक्य ना इतना भी आते हैं ना, उनसे कहूँगी वो खुद सुनाएंगे। यहाँ पे ना कोई 4-5 फ्लाइट्स इकट्ठी आई हैं और उनको इस सीट पर बहुत लोग आए हुए हैं, तो इतना रश पड़ा हुआ है, अन्नी पाव प्रोग्राम पड़ा हुआ है यहाँ पर, समझ ही नहीं आ रही यार यहाँ पर। और ये एतज़ाज़ की पहली इफ्तार 8 साल बाद पाकिस्तान में और उनके ससुराल में, पहली है और पाकिस्तान में 8 साल बाद है। हमने सोचा थोड़ी रोन के देखाएं पाकिस्तान की चांद रात, एतज़ाज़ को भी दिखा दें थोड़ी सी, ऊपर से लाहौर, क्योंकि लाहौर तो है ही दिल वालों का शहर और लाहौर की रौनकों की कोई मैच है ही नहीं। मैं कहती हूँ दुनिया में कहीं ले जाओ, लाहौर लाहौर है यार। आपको कैसा लग रहा है लाहौर की गलियों में घूम के चांद रात पे? दिल गार्डन गार्डन हो रही है। मजा आ रही है राजा जी, मजा आ रही है? बहुत मजा आ रहा है। बहुत पिंडी बॉयज को लाहौर की गलियों में घूम के मजा आ रही है? ये बात पूछना पड़ेगा। रश 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 आप लोग यहाँ पे आराम फरमाने आए हैं। आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में, क्यों इंतजार? ऐसे ये ज्वेलरी पड़ी हुई ना बहुत फैसिनेटिंग लगती है मुझे, तो अट्रैक्ट कर रही होती है। आप लोग बताओ, आप लोगों के साथ ये सीन है या नहीं है? ये सारे तकरीबन मेंस कंगन भी इसमें हैं और इसके प्राइसेस भी चांद रात की वजह से 2000, 1600, 1500, जो कि इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन प्राइसेस हैं 1650, 1750, 1750 हैं, लेकिन आपके लिए 1450। ओके देखो सही है, भाई निकालो के भाई है, भाई है। मुझे लग रहा है टी शर्ट के अंदर इसकी 11 नहीं भाई है। बेसिकली लास्ट शॉर्टेस्ट पे जो ज्वेलरी की शॉपिंग है ना वो रह गई हुई है और वो चल रही है। अपने लिए ले रहे हैं? पहने पहन के पहनाऊँ पहन ले कंगन ले लिया, अल्लाह कंगन कंगन पहनने वाली भी देगा। ये क्या है, छानपुरा मीन में? यार ये बंदा बहुत प्यारी मेहंदी लगा रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारी। मेरा दिल है मैं भी यहीं से इसी बंदे से ना मेहंदी लगवा के जाऊँ घर, लेकिन टाइम पे डिपेंड करता है, अगर टाइम बचा तो लगवा लूँगी। चूड़ियाँ वगैरह, मेहंदी, ज्वेलरी एंड डिफरेंट चीज़ों की जो शॉपिंग है वो शनैल गुची, हाँ शनैल गुची, लिबर्टी मार्केट की दुपट्टा गली में शनैल गुची। हाँ, 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 हाँ,
खाने शाने भी चल रहे हैं साथ, स्नैक्स वगैरह, गुस्से कॉलेज गुस्से ब्लॉग में डालना क्या हो गया यार, ऐसी बात नहीं करते। मैं थोड़ी क्या तो कह रही हूँ, मैं खुद से कह रही हूँ। फैंसी से सोडा बार मैंने यही की, यहीं से पीना है। कितने का? 150। ये मेरा सोडा आ चुका है, आई डोंट नो कैसा है, इसके अंदर लग रहा है गंद है, नहीं है ना काला नमक और पुदीना शुदीना और ये और धनिया भी है, धनिया भी है, धनिया भी है पुदीने की जगह, वाह धनिया है और मट्टी रेत भी नजर आ रही है, काला नमक है, जीरा जबरदस्त मजेदार। क्या कर रहे हो फिर? कुछ भी जगह तो लगता है यार, ये दोनों सेम लगते हैं ना, मतलब तो काफी काफी ये तो यहां पे क्या हुआ कुछ नहीं सुझ रहा बस ये स्मोकिंग किल्स। कैसा लग रहा है इंतजार आपको घंटे डेढ़ से जलील होते हुए लाहौर की चांद रात पे? मजा आ रही है, मजा आ रही है जगह। हाँ यार बस नींद पूरी नहीं हुई भी ना, उस वजह से ऐसे लग रहा है कि जैसे ना चक्कर आ रहे हैं, वैसे मजा आ रहा है। लेकिन ये बंदा कभी कभार निकलता है, कभी कभार आता है। मेरे तो पहले ही ओके थी, मैंने सारी डन कर ली थी, बाकियों की चल रही है अभी। हाँ ये तो है, लोग एयरपोर्ट से आके सो गए थे 5-6 घंटे, 4-5 घंटे आई थिंक, उसके बाद उठ के फ्राइज सारी की है और फिर हम निकल आए हैं बाहर चांद रात के चक्करों में। असल जो तैयारी होती है वो यही है, असल तो बस लोग कर रहे हैं। और जो हम दोनों के आगे जलालत है पूरी ईद पे वो बताएं लोगों को, आहिस्ता आहिस्ता लोग खुद ही देख लेंगे कि हमारी ईद कैसे गुजरती है। शॉपिंग होगी आपकी, नाम कुछ रह गया तो बताया वो भी नहीं। नहीं आपको दुनिया में कोई ऐसी बीवी दिखेगी कभी जो फिर पूछ रहा हो क्या लेना है, ले लो वो कहे नहीं नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा फिर भी क्या शुक्र अदा करे आप, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार बहुत बड़ी बात है यार। नहीं तो बहुत सारा वो जो लेना ले लो, कोई मसला नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए जो मुझे चाहिए। अच्छी बात है, लॉक कर दिया था कंप्यूटर जी, लॉक करके चाबी कहीं दरिया में फेंक दिया, ये तो सारी जिंदगी कुछ नहीं है, ये नहीं होगा अभी के लिए। ये अभी कितने के भाई? 100 के, ये भी ले लो। कौन सा है? नहीं सुझा भाई खानी है चाट, चस्का लगाना किसी ने, चस्का लगा देना सही है। कैसी है? जबरदस्त।
चलिए आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, व्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट करें और मुझे और एतज़ाज़ को और हम सबको हमारी पूरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।